टेल इज द कॉल एंड टेल इट इज. सतेंद्र टॉस के बॉस बन गए, क्या फैसला है? बॉल फर्स्ट. और इस प्रकार से ये पहली विकेट का पतन. पड़ने के बाद बॉल अंदर को आया तेजी के साथ. 10 के योग पर ये पहली विकेट गिरती हुई. मयूर तिलवे ने ये सफलता दिलाई. मयूर तिलवे जो कि गोवा से हैं. यहां पर बल्लेबाज कोई रियायत नहीं देते हुए एक बार फिर छोटा बॉल, हालांकि पड़ने के बाद उतना ऊपर नहीं आया था, बावजूद उसके अच्छा पुल लगाया मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन. जैसे देखा छोटा बॉल है, तीसरा चौका आता हुआ यहां पर बल्लेबाज अंशुल के बल्ले से. ये बॉल ऊपर का बॉल, बढ़िया कवर ड्राइव. देखता है फील्डर बॉल को, रोकेंगे जी नहीं, है तो कैच हुआ. वाह दूसरी विकेट. जैसे देखा ऊपर का बॉल है, दूर से गए उसे हवा में खेल दिया, खेलना उसे चाह रहे थे कुछ एक्स्ट्रा कवर एरिया में. बल्ले का फेस घूम गया और यहां पर मयूर तिलवे को मिलने वाली है दूसरी सफलता. और आने वाले समय में अगर ये रांची का एक सितारा ना हो जाए. ये लीजिए हवा में ऊपर का बॉल, कवर्स के ऊपर से मारने के लिए गए थे और वहां पर सत्येंद्र मलिक को कैच दे बैठे. सभी के हृदय में उनके लिए सम्मान है. इसे कहते हैं खराब बॉल सही नसीहत. बहुत ज्यादा ऊपर बॉल को किया, फुल टॉस बना के पुल किया उसे, स्क्वायर लाके ऊपर से 6 रन के लिए. पूरा ओवर अच्छा जा रहा था, 100 रनों का आंकड़ा पार हुआ है 6 रन की मदद से, तो 102 जा पहुंची है. देखिए कहां बॉल को किया और बढ़िया पुल शॉट. बॉल बल्ले पे लगी और स्क्वायर लाग एरिया में निकल गई 6 रन के लिए. आज के दिन का पहला 6 12 ओवर की समाप्ति पर 102 रन. आभार भी प्रकट करेंगे क्योंकि ऑल इंडिया पर. ये एक बार फिर पिछले बॉल की तरह हवा में और नतीजा भाई सेम टू सेम. दुष्यंत का बॉल, स्लॉग स्वीप किया, बॉल अंदर है या बाहर, और ये बॉल बाहर. अभी अंपायर का इशारा 6 रन का हो जाएगा और इस रन संख्या 155 जा पहुंचेगी. ये छोटा बॉल, बढ़िया बॉटम एंड, हवा में क्या बॉल, बाहर है या अंदर, बाहर. अंपायर का इशारा, ये देखिए वो रोड, वो कॉलोनी के लिए जाती जाती रोड दिखाई दी. कैमरा वर्क देखिए क्या कमाल का है. यहीं से ये रोड कभी महेंद्र सिंह धोनी के घर में जाया करती थी. बढ़िया बॉटम एंड लेके छोटा बॉल. पिछला बॉल जो डॉट था उसे रिकवर किया बल्लेबाज ने. एक बार फिर बढ़िया पुल शॉट हवा में, क्या फील्डर बॉल पर है जी नहीं, 6 रन. जैसे देखा छोटा बॉल है, बढ़िया बॉटम एंड. निरंजन 73 पे जा पहुंचे. संजय बामल को इंतजार करवा रहे हैं अर्धशतक का. ईपीएफओ गेंदबाज चले, पहला बॉल लेकर के ये बॉल ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर को निकला. छेड़खानी खड़े खड़े गए और ये लीजिए पहली विकेट का पतन. पहली ही बॉल पर सफलता अर्जित कर ली है. जैसे देखा ये बॉल थोड़ा सा गुड लेंथ का बॉल है और छोटा बॉल ऑफ स्टंप के बाहर. और ये देखिए क्या बढ़िया बॉल, थोड़ा सा जैसे बॉल कुछ लेट स्विंग हुआ आउट स्विंग. और बल्लेबाज बिना किसी इरादे के छेड़खानी, कहते हैं शरारत करने के लिए गए, बॉल को छेड़ा उन्होंने और कामयाब भुगता. इस प्रकार से पहली विकेट का पतन पहली बॉल पर यहाँ पर रोहित मेहरा ने. बल्लेबाज ने और मोनू को स्ट्राइक्स ऑफ दी. मोनू ने ये बॉल को हवा में उछाल दिया. क्या फील्डर है जी नहीं, अंपायर का इशारा देखना होगा ये क्या कहता है. 4 रन या 6 रन, कैमरामैन भी दिखाई दिया. 6 रन, क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ, वाह लाजवाब. आईना सा दिखाता हुआ शॉट जैसे. ये देखिए जैसे देखा छोटा बॉल है, पीछे गए और सीधा उछाल दिया उसे, बिल्कुल जैसे नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग बाउंड्री के बाद 4 रन. ये हवा में, फील्डर क्या है वहां जी नहीं, और बॉल 6 रन के लिए कवर्स के ऊपर से. ऊपर का बॉल, मोनू यूं कह लीजिए आज पिच का मिजाज पूरे तरीके से, मुझे तो लग रहा है जैसे बल्लेबाजी बल्लेबाजों के पक्ष में, क्योंकि पहली इनिंग में भी रन बने और यहां भी अच्छे रन बन रहे हैं. जैसे देखा ऊपर का बॉल है, यहां पर बॉल नीचा रह गया. जी हाँ, इस पिच में देखा गया है अमूमन ये पहली बार बॉल नीचा रहा और बिल्कुल प्लम बैक फुट पे लगी बॉल, मिडिल स्टंप का बॉल था, निकल के गए. और यहां पर विकेट नंबर 3, फ्लाइटेड बॉल, स्पिन के विरुद्ध दरअसल खेलने का प्रयास था, कुछ लैग ब्रेक मिला इस बॉल पे एक बार फिर. और यहां पर विकेट नंबर 3, दुष्यंत भी आउट. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. ये देखिए
थोड़ा सा एक बार फिर कहा जाए तो बॉल की लाइन को मिस किया, बॉल थोड़ा सा घूम गया यहां पर, अगर क्रॉस जाते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। अच्छा फ्लडेड बॉल, ओह क्या बढ़िया कैच पकड़ लिया पर विकेट कीपर ने, मुझे ऐसा लग रहा ड्राइव के लिए गए, बॉल बल्ले पे लगी फिर जूते पे लगी शायद और हवा में रही और विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, क्या कमाल का कैच पकड़ा। नेपाल की अंतरराष्ट्रीय टीम वहां खेलने के लिए आई थी, बढ़िया स्पिन पे खेलने में कामयाबी हासिल करी, अंपायर का इशारा देखना होगा, 6 रन तो नेपाल की टीम को मात्र 56 रन पे ऑल आउट कर दिया था बीएसएनएल ने, और उसके बाद बांग्लादेश की टीम को भी हराया था। देश में कई विभाग जो है जो यहां प्रतिभागिता नहीं कर पाए, ये लीजिए एक और विकेट का पतन, अच्छा ऑफ ब्रेक पड़ने के बाद बॉल तेजी के साथ अंदर को आया और बल्लेबाज पहले ही आगे आ गए थे, बल्ला आगे चला गया था और बॉल अंदर आया और उनके स्टंप से जाकर के टकराया। ये देखिए प्रथम बीसीसीआई लेबल 1, लेबल 2 और लेबल 3, तो हमें उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम उन्हें लेबल 3 में भी देखेंगे, निकल के गए थे खेलने के लिए। कामयाब नहीं, विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची बिना किसी रन के। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनके प्रशिक्षण के दौरान भारत ने विश्व खिताब जीता, दूसरी बार हवा में उछाला फील्डर नीचे, और रोहित हैं, रोहित मेहरा ने गलती नहीं करी, ऊपर का बॉल दूर मारना चाह रहे थे, विकेट नंबर 7 का पतन हो चुका है। जॉन बुकनन, देखिए कई बार प्रशिक्षक पे बहुत कुछ निर्भर रहता है, ऊपर का बॉल हवा में उछाल के खेल दिया। जॉन बुकनन के समय पे ऑस्ट्रेलिया की टीम एक तरीके से अजय टीम हुआ करती थी, और मुझे याद है खिलाड़ी क्रिस ट्रेन्स हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने उस समय कहा था जब जॉन बुकनन कोच थे कि इतने बेहतरीन कोच थे खेल में, क्रिकेट हवा में, ओ कैच ड्रॉप, और ये लीजिए 4 रन भी। क्रिकेट के खेल के डेवलपमेंट के लिए जो ईमानदारी उन्होंने दिखाई, जो लगन उन्होंने दिखाई, वो मिसाल है हर। ये देखिए आसान कैच था, यहां पे गलती कहां पे हुई, नोएल राणा, ये बढ़िया दूर से बॉल को हवा में खेल दिया, अब की बार गलती नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर फील्डर भी कोई और है, दरअसल संजय बामल, आज का दिन संजय बामल, ओ बोल्ड, ये लीजिए बढ़िया आर्मर डिलीवर्ड किया, बल्लेबाज सोच रहे जिस तरीके गेंदबाज थे तो पढ़ने के बाद बॉल थोड़ा बाहर को जाएगा, वो अंदर को आ गया, अच्छा आर्मर, एंगल बॉल कहूं मैं, क्रीज का थोड़ा कोना इस्तेमाल किया और ऑफ स्टंप पे पढ़ने के बाद बॉल अंदर आई, और ये लीजिए सीधा स्टंप से टकराई, विकेट नंबर 9। और इसी के साथ ये लीजिए एक और विकेट, और विकेट नंबर 10, हरनंद आउट हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरी टीम ऑल आउट हो गई और ये मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर एक बड़े अंतराल से टीम बीएसएनएल ने।